गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को आनंदपुर साहब की घटना है। आनंदपुर साहब एक मदारी आया कोई, वो मदारी को एक रिछ सी जी, रिछ वो रिछ नू मदारी डंडे नाल जो भी इशारा करे रिछ उदा करे, छाला मारे, कदे लेट जावे, कदे दो पैरां ते खड़े, कदे घूमे, कदे लुटनी खा जावे, कदे नीवी पावे, कदे सिर चुकावे, बड़े जनी उहदे सन। ज्यों ज्यों रिछ करे ते रिछ नू, रिछ दा जिहड़ा मालक सी मदारी, वह इदां दीआं गल्लां रिछ नाल करे जिहनों सब नू हासा पै जाए करे, जदों कुछ किया करे सारे हस पिया करन। ते जदों ये गल होई ना ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह जी का एक चौर वरदार सेवादार सी, वह भी हसया। गुरु जी उन्हूं कहिंदे भाई तू ना हस, वो कहन लगा महाराज मैं क्यों ना हसा, मैनू भी हासा आ जांदा। एक बार रुकिया फिर खेड चल पई, दूजी बार फिर हासा पिया, वह भी हस पिया, फिर गुरु जी ने रोक दिता। तीजी बार रोकया कहिंदे तेनू क्या तू ना हस, कहिंदा जी हासा रुकदा नहीं, मैं क्यों ना हसा। महाराज कहिंदे तेरा प्यो है ये पिछले जन्म का, हुण नहीं पिछले जन्म विच तेरा प्यो सी, वो तो बेचारे का मूँह उतर गया बिल्कुल, इतना छोटा जा मूँह हो गया, बड़ा परेशान होया, वो तो बंद हो गया खेड़ते, वो हाथ जोड़ के कोल खड़ गया, कहिंदा गुरु जी मैं एक बेनती करनी चाहना। महाराज कहिंदे बोल। कहिंदा जी कितने सवाल है पहला। महाराज कहिंदे बोल की है। कहिंदा जी गल ये है, तुसी आख्या भी तेरा प्यो है ये पिछले जन्म का, मेरा प्यो तो सेवादार सी गुरु घर का, जे सेवा करन वाले बंदे रिश बनते हैं, मेरा प्यो तो ज़्यादा सेवा करता सी तां करके रिश बन गया, तो मेरी तो सेवा भी घट है, मैनू तो फिर रिश वाला शरीर भी नहीं मिलना, मैं तो बंदर बुंदर बनूंगा इस हिसाब नाल। एक ही कारण बनया कि मेरे पिता नाल आ कुछ होया। गुरु साहब कहिंदे गल बिल्कुल ठीक है, तेरा पिता सेवादार सी, पर तेरे पिता ने सेवा दे नाल नाल गुरु की गल नहीं मनी। कहिंदे ओ की, कहिंदे जिहड़ा तेरा पिता सी ना, जिहड़ी सेवा तैनू ला दिंदे सी, सेवा ते करी जांदा सी, पर खिजदा बहुत सी। जे कोई संगत आ गई उहदे गल पई जाणा, उहनू माड़ा बोली जाणा, धक्के मारी जाना, संगतां दे तौंस जमाई जानी, संगतां नू तंग करी जाना, कौड़ा बोलना। गुरमुखो गुरु करदे जिन्ने भी सेवादार है ना, इन्हां दी जिम्मेवारी फर्ज ज़्यादा वध जांदा आम लोकां नालों, उन्हां दी जिम्मेवारी ये ज़्यादा वध जांदी भी असी गुरु घर हाँ, गुरु नानक दे घर दे सेवादार हाँ, इत्थे जिहड़ी संगत आ रही है गुरु नानक दी संगत आ रही, असी गुरु दी सेवा कर रहे हैं। ते इह गुरु साहब कहिंदे विच संगत हर प्रभ वसै जी, अगर कोई सेवा तो वांझा है ते गुरु घर दे अंदर उहनू प्रवान नहीं कीता जांदा। गुरबाणी विच लिखिया है बिन सेवा त्रिग हथ पैर होर निफल करनी। अगर सेवा ना किसी की होवे ते बंदा जो मर्जी करी जाए ते उहदे हाथ अते पैर पवित्र नहीं मन्ने जांदे। जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे इतिहास विच एक बड़ी प्यारी साखी आउंदी है कि महाराज जी नूं प्यास लगी, सतगुरु जी ने पानी की मंग की, भाई कोई है पानी दे दे, छेती देने एक नौजवान कोल खड़ा सी, भज्जा गया ते पानी का एक भांडा भर के बाटा भर के गुरु जी कोल ले आया। गुरु जी ने उहदे कोमल हाथ वेख के उन्हूं पुछया काका नौजवाना की करदा हुन्ना, कहन लगा जी मैं ते कुछ नहीं करदा, कोई किरत विरत नहीं,
कदे कोई काम किया ही नहीं। गुरु जी कहिंदे क्यों? कहिंदा जी लोड़ ही नहीं पई, मेरे पिता कोल बहुत धन है, पैसे की कोई कमी हो नहीं, नौकर चाकर बहुत ने, जो मैं कहना सगों वो करते रहते हैं, तो मैं कदे कोई काम नहीं किया। कदे कोई महाराज कहिंदे कदे कोई सेवा की? कहिंदा जी सेवा भी नहीं कदे की, पहली बार तुहानू जल दिता है। गुरु जी ने पानी डोल दिता। गुरु जी कहिंदे जिहड़े हत्थां दे नाल कदे सेवा नहीं, कदे कोई भला काम नहीं, कदे कोई दान नहीं, कदे कोई पुन नहीं, कदे किसी डिग्गे नूं नहीं चुकिया, उह हत्थां नूं तां कोड़े समझिया जांदा, जिवें किसी कोड़ी नूं कोड़ होया होवे, बीमार कह लो कि हत्थां दे विचों खून सिमदा होवे, पाक राध सिमदी होवे, ते ओ हाथ वाला पानी आपां पीण तो गुरेज करदे हाँ, कोई ऐसी बीमारी होवे जिहड़ी एक दूजे तो अगे लग जाती है, ते ओ हत्थां वाला बंदा जिहड़ा ये चंगे कार्ज नहीं करदा। इउं गुरु साहब ने आख्या उहदे हत्थां दी सेवा गुरु घर भी प्रवान नहीं है। ये समझो जिहड़ा बंदा कोई सेवा तो वंझ है, उहदे हाथ पैर तिरकार योग है भाई। इसलिए ये जीवन विच निजम बना लो गुरमुखो कि सेवा करनी करनी है। अपने घर आंढ गुआंढ विच किते ना किते जरूरत हुंदी है, असी कई बार मूँह फेर लैंदे हाँ जां ध्यान नहीं दिंदे हाँ। कोई चीज़ गंदी डिग्गी होवे उहनू चक के साइड ते रख देना, कोई कंडा कोई पत्थर कोई इट रोड ते पई है जिहदा पता इहदे नाल कोई डिग सकदा उहनू साइड ते कर देना, ये भी एक तरह की दुनिया की सेवा ही है। रुख सुकदे जा रहे हैं, तेरा घर कोल है, मना मूही पानी बेवजह डोल रहा है, एक दरख्त विच पानी नहीं पा सकता, तू पांच सत्त दरख्त आले दुआले ला दते, उन्हां नू पाल के वड्डे कर दिता, यह भी सेवा है मनुखता की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन दिंदे आ। इउं सेवावां कई तरह दियां, वड्डी सेवा गुरु घर की सब तो, गुरु घर आउणा, गुरबाणी सुनना, उहदे अनुसार जीवन जिउणा, फिर गुरु घर आउणा, भांडे मांजणा, जोड़े झाड़ने, तप्पड़ झाड़ के विछाउणे, संगतां नूं लंगर वरताउणा, लंगर बनाउणा, होर बड़ियां सारियां सेवावां हन। इउं गुरु साहब कहिंदे ने अपने हत्थां नूं आलसी ना बनाओ, इहनां नूं सेवा करन दी आदत पाओ। पहलां पहलां सेवा करन लग्गियां मन कतराउंदा है, पर जदों करन लग जाइए तो इन्ना रस बनदा, सेवा दी इन्नी आदत लग जाती है, सेवा करन बिना रह नहीं हुंदा सेवा करन वाले। जिहड़े सेवा करदे आ ना गुरमुख, जो सेवा करन तो उहनां नूं कोई रोक दे, कहणगे जी सानू सेवा तो ना रोको, वो रोज आउणगे, औखे वेलिया विच भी वह सेवा नहीं छड्डदे। तो इसलिए गुरु साहब कहिंदे ने सब तो वड्डी गल कर कर टहल, हत्थां नाल करनी टहल सेवा, रस ना गुण गावो। गुरु अर्जन देव जी कहिंदे अपनी रसना नाल, जीव नाल, जिहड़ी जीव है तुहाडे कोल, कहिंदे सेवा करन लग्या माड़ा चंगा नहीं बोली जाना। कई बंदिया नूं वेखीदा उहदा सेवा करनगे कदे कौड़ा बोली जाणगे, ये नहीं करना। रसना नाल भी वाहिगुरू दे गुण गाउणे हन। सेवा करनी तां सफल है ही, पर उस तरीके करो जिहदे च गुरु दी खुशी होवे।